नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है जनेक ट्यूटोरियल्स में। आज के हमारे इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानी पुत्र प्रेम, जो कि आईएससी कक्षा 11th एवं 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से ली गई है। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था, और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथायोग्य व्यवहार भी वे करते थे। वे वकील थे, दो तीन गांव में उनकी जमींदारी भी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में संभवतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार ना होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। बाबू साहब के दो पुत्र थे, बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास का पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे, उसे बैरिस्टर बनाना। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा, डॉक्टरों की दवा होने लगी। एक मास तक नित्य डॉक्टर साहब आते रहे, पर ज्वर में कमी ना हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ ना हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था, उठने बैठने की शक्ति न थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरक्यूलोसिस है। चैतन्य दास ने व्यग्र होकर कहा, तपेदिक? डॉक्टर, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया? डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को न था। डॉक्टर, संभव है मित्रों से इसके जर्म यानी कीटाणु मिले हो। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। चैतन्य दास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में वे स्वस्थ हो जाएंगे। झाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। चैतन्य दास, अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे? डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके। चैतन्य दास, किसी सैनिटोरियम पहाड़ी स्वस्थालय में भेज दूं तो कैसा हो? डॉक्टर, बहुत ही उत्तम। चैतन्य दास, तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे? डॉक्टर, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। चैतन्य दास नैराश्य भाव से बोले, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था, उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिर चित्त सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। वथ्यापथ्य का विचार ना करता, घर वालों की निगाह बचाकर औषधियां जमीन पर गिरा देता, मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी।
और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बापू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ, तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। झाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो झाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि झाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं, अगर उनकी बात ना गवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज्यादा से ज्यादा 3,000। साल भर रहना होगा? निश्चय है कि वहां से अच्छे होकर आवेंगे? जी नहीं, यहाँ तो यह भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं की जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहां से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा, आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। शिवदास उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता के धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उनके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तपेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियां कही, इन शस्त्रों से विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस प्रहार के सामने न ठहर सके, इन शब्दों में हार स्वीकार की, अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी, तो कब? रुपए हाथ में आने दो तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूं, किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो, इटली में कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहां भी केवल प्रारब्ध की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए मैं अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसको मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फल स्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का त्रास नहीं कर सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई, जीतकर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए।
वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के एक सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक से धारा। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती जा रही थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। उनके अंतर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते, गाते, पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ है? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं, कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। धन और है किस लिए? चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला, हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, सूखकर कांटा हो गए थे। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुंह देखा बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों की को ठीकरे समझा, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी, थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बली के सामने आदमी का क्या बस है। युवक ने गदगद स्वर में कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय, यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता, अपना ही चित अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शूल के समान चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास की अंत्येष्टि संस्कार में उन्होंने 1000 रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। इस पाठ के परीक्षा संबंधी प्रश्नोत्तर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें एवं अन्य पाठों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।